हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षा नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम बिल्कुल करेंट टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक जैसे आपने देख लिया होगा, नोवल कोरोना वायरस COVID-19, ठीक है। ये हमारा अभी जो करंट है, चल रहा है, महामारी फैली हुई है हमारे देश में, ठीक है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो ये जो डिज़ीज़ है या फिर जो महामारी है, ये आपने बहुत सारी सोशल साइट्स पे आपने इसके बारे में पढ़ चुके होंगे, टेलीविज़न पर आप इसमें पढ़ते हो, ठीक है, या फिर हर किसी के मुंह से आजकल इसी की बातें हो रही हैं, ठीक है। तो बहुत सारी बातें आपको हो सकता है पता हो, और कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको नहीं पता, और कुछ ऐसी बातें होंगी जिस जो आपको गलत पता हो, ठीक है। तो जिसको हम मिथ्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही पता होनी चाहिए। अगर आपको सही चीज़ें पता होंगी तभी आप इस वायरस पे कंट्रोल कर सकते हो, या फिर इस वायरस से आप बच सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें पूरी जानकारी और सही जानकारी होनी ज़रूरी है। तो आज हम COVID-19 को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये और ये जो वीडियो है सिर्फ मेरे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद को या फिर अपने परिवार को, ठीक है, इस वायरस से किस तरह से बचा सकते हैं, किस तरह से फैलता है, ठीक है, वो अच्छे से आप नॉलेज ले सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो आपकी सेफ्टी पर्पज़ के लिए बनाई गई है, ताकि आप इस वायरस से बच सको, ठीक है। तो आप इस COVID-19 क्या है उसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले COVID-19 है क्या चीज़ है, ठीक है। सबसे पहला जो केस है वो रिपोर्ट हुआ था 31 दिसंबर 2019 में वुहान चीन, ठीक है, चाइना। तो ये जो फर्स्ट जो केस है, ये जो WHO का जो वहाँ पे ऑफिस है, वहाँ पे 31 दिसंबर 2019 में वहाँ पे रिपोर्ट हुआ था वुहान चाइना के अंदर। उसके बाद 31 जनवरी 2020, ठीक है, जो WHO ने इसको क्या डिक्लेयर कर दिया, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, ये WHO ने इस बीमारी को या इस बीमारी को डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया, ठीक है। ये जो बीमारी है वो पूरी जनता के लिए इमरजेंसी है, ठीक है, जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे कंसर्न दिखाने की ज़रूरत है। तो इस हिसाब से इसने WHO ने इसको इस डिज़ीज़ को बीमारी को घोषित कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा 11 फरवरी 2020 WHO ने इस नोवल कोरोना वायरस को क्या नाम दे दिया, COVID-19, ठीक है। जो नोवल कोरोना वायरस है उसको क्या नाम दे दिया, COVID-19, 11 फरवरी 2020 में। और 11 मार्च 2020 में WHO ने इस डिज़ीज़ को क्या बोल दिया, पैंडेमिक घोषित कर दिया, ठीक है। तो WHO ने फर्स्ट WHO के ऑफिस में फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ था 31 दिसंबर 2019 में, फिर 2020 में WHO ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया, और इसका जो नोवल कोरोना वायरस है उसको रीनेम कर दिया, उसको एक नाम दे दिया COVID-19, ठीक है। COVID-19 कोरोना वायरस डिजीज़ 19 किस लिए दिया, क्योंकि 2019 में ये क्या है इसको रिपोर्ट किया गया था फर्स्ट, ठीक है। तो इस तरह से इसको COVID-19 नाम दिया गया है, और 11 मार्च 2020 में इस डिज़ीज़ को पैंडेमिक बोला गया। अब पैंडेमिक का मतलब क्या है, पैंडेमिक उस डिज़ीज़ को बोलते हैं जब कोई डिज़ीज़ एकदम से होती है और किसी भी कंट्री के जो ज्योग्राफिकल जो बाउंड्रीज होती है, ठीक है, जो उसकी सीमा होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसको अगर क्रॉस करके दूसरे कंट्री में फैल जाए तो उस डिज़ीज़ को हम क्या बोलेंगे, पैंडेमिक, ठीक है। तो पैंडेमिक में डिज़ीज़ क्या करती है, एक कंट्री की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री होती है, सीमा होती है, उसको पार करके दूसरे कंट्री में पहुँचती है, ठीक है। तो ये हमारी जो आप देख सकते हो जो COVID-19 है, जो बीमारी है, महामारी है, वो कई देशों में फैल चुकी है, इसलिए इस WHO ने इस डिज़ीज़ को पैंडेमिक बोला गया है, बोल दिया है, ठीक है, घोषित कर दिया है, महामारी घोषित कर दिया है, ठीक है। तो ये तो इसका एक जनरल नॉलेज था जो आपको पता होना चाहिए, COVID-19 क्या है, ठीक है, इसके पीछे किस तरह से ये डिज़ीज़ फैली हुई है, पैंडेमिक किस लिए बोला गया। तो अभी नेक्स्ट हम लेके चलते हैं कि COVID-19 है क्या, ठीक है, कोरोना वायरस जो है, महामारी है, वो होती क्या है।
तो एक ये वायरस से होती है, ठीक है, कोरोना वायरस है, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ठीक है, सांस लेने में जो दिक्कत है वो आती है, ठीक है। और इसमें जो इसके क्या क्या लक्षण हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। लक्षण आपको कैसे दिखते हैं, जैसे नॉर्मल फ्लू होता है, ठीक है, फ्लू जैसे इसके सिम्टम होते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वायरस कॉज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ठीक है, और दूसरी चीज़ में क्या बोल सकते हैं, एक तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है, दूसरा ट्रांसमिट फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन। ठीक है, एक इंसान से, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में ये फैल रहा है, ठीक है, रेस्पिरेटरी है, ठीक है, सांस लेने की में दिक्कत आती है, श्वास जो क्रिया है उसमें इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है, और एक इंसान से दूसरे इंसान में ये है जो वायरस ही फैल सकता है। ठीक है, अब इसके जो लक्षण हैं, साइन एंड सिम्टम है, वो हम देख लेते हैं क्या होते हैं। ठीक है, साइन सिम्टम मैंने क्या बताया, फ्लू लाइक सिम्टम्स क्या होंगे, जैसे फीवर, और जो फीवर है वो तेज़ होना चाहिए, ठीक है, तो तेज़ बुखार होना, या फिर हेडेक, स्नीजिंग, कफिंग, टाइटनेस ऑफ चेस्ट। ठीक है, ये सारे जो सिम्टम्स हैं किसी व्यक्ति में मिलते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको ये जो है महामारी कोरोना वायरस है, COVID-19 है, ठीक है, उसको प्रॉपर चेकअप करवाना चाहिए, तभी हम किसी इंसान को बोल सकते हैं कि इसको ये बीमारी है या फिर इसको ये कोरोना वायरस हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ क्या है, लक्षण हो सकते हैं किसी भी व्यक्ति में, हो सकता है कि वो सिर्फ एक फ्लू हो, नॉर्मल सर्दी जुकाम लगा हो उसको, तो किसी भी व्यक्ति को उसके लक्षण देख के हम कोरोना वायरस उसके अंदर नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो इस जो कोरोना वायरस में क्या, फीवर हाई होता है, हाई फीवर होता है, तेज़ बुखार होता है, प्लस हेडेक हो सकता है, जुकाम हो सकता है, नाक बह सकती है उसकी, ठीक है, और कफिंग, जो खांसी है वो क्या होगी, सूखी खांसी होती है, ठीक है, बलगम वाली खांसी नहीं, सूखी वाली खांसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और जो छाती में जकड़न हो सकती है, तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं व्यक्ति में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, जो खांसी है मेन हमारा ये डिटेक्ट करने का ये होता है कफिंग का, ठीक है, सूखी खांसी होनी चाहिए, तेज़ बुखार के साथ होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद हम उस व्यक्ति का क्या करेंगे, टेस्ट करते हैं, तभी हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि उसको कोरोना वायरस है, COVID-19 उसको है। ठीक है, ये साइन सिम्टम की बात हो गई। अब नेक्स्ट है किस तरह से ये फैलता है, ट्रांसमिशन क्या है इसका, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ये मेनली जो तीन है मोड इसके हैं, फर्स्ट तो है कफिंग एंड स्नीजिंग। ठीक है, खांसी करने से या फिर छींकने से, ठीक है, उससे ये जो है कोरोना वायरस फैलता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है, वो खांसी करता है, ठीक है, खुली पब्लिक प्लेस है, कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका है, उसके नज़दीक अगर कोई दूसरा व्यक्ति है, वो इजीली सांस के द्वारा वो वायरस उसके अंदर भी जा सकता है। ठीक है, तो कफिंग, इसी तरह स्नीजिंग, ठीक है, जब छींकता है तो अगर उसके जो भी वायरस है वो दूसरे व्यक्ति तक जा सकते हैं। ठीक है, तो कफिंग या स्नीजिंग से, ठीक है, खांसी करने से, जुकाम से भी हो सकता है। दूसरा है हमारा क्लोज कॉन्टैक्ट। ठीक है, अगर कोई किसी के हाथ, ठीक है, संक्रमित है, ठीक है, उस संक्रमित हाथ से दूसरे व्यक्ति को हाथ मिलाता है या फिर गले लगता है, ठीक है, उससे भी ये जो कोरोना वायरस फैल सकता है। या फिर थर्ड होता है इन्फेक्टेड सर्फेसेस
सरफेसेस, ठीक है, उन सरफेस को, उन जगह को छूना, ठीक है, जो कहाँ वहाँ पे जहाँ पे उस वायरस हो, ठीक है, जैसे अननेसेसरी किसी भी उन चीज़ों को छूना, ठीक है, जहाँ पे वो वायरस हो, और फिर जो स्वस्थ जो व्यक्ति है, जो हेल्दी पर्सन है, उसको छूता है तो वो जो वायरस है उसके अंदर भी जा सकता है, ठीक है। तो इन्फेक्टेड सर्विसेज को अगर छूने से भी वो वायरस फैल सकता है किसी भी हेल्थी पर्सन में, ठीक है। तो ये जो वायरस आप देख सकते हैं, ये मेनली जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है उससे फैल रहा है, ठीक है, खांसने श्वास के द्वारा, मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा ये फैलता है। इसलिए क्या है कि कोई भी अगर इन्फेक्टेड सर्फेसिस को छूते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि नाक और जो मुंह पे नहीं लगाने चाहिए हैंड्स, ठीक है। आगे के हम देखते हैं क्या क्या उसके प्रिकॉशंस हैं, ठीक है। अभी आपको सिर्फ ट्रांसमिशन में इतना पड़ा कफिंग और स्नीजिंग के द्वारा, पर्सनल कॉन्टैक्ट, क्लोज कॉन्टैक्ट से, ठीक है, और इन्फेक्टेड सर्फेसिस को छूने से, सर्फेस या फिर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो इन्फेक्टेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तु हैं, ठीक है, उनको छूने से ये वायरस फैल सकता है, ठीक है। ट्रांसमिशन हो गया, अब हम बच कैसे सकते हैं वो हम देख लेते हैं, बचाओ। ठीक है, प्रिवेंशन में आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा जो हम बोलते हैं कि फ्रीक्वेंट हैंड वॉश, ठीक है, जितना हो सके आपको अपने हाथ साबुन से और साफ पानी है उससे धोने हैं, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश, ठीक है। आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप एक हैबिट बना लीजिए कि आपको अपने हाथ साबुन से और पानी से धोने हैं, ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक अवॉइड टू गो इन पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक या फिर जो भी क्राउडेड प्लेसेस है, क्राउडेड प्लेसेस लिखिए, ठीक है, जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, ठीक है, किसी पार्टीज में या फिर किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पर जाने से, अननेसेसरी जाने से आपको ना आपको हमें रोकना है, ठीक है। जितना हो सके आप अपने घर पर ही रहें, अगर कुछ काम है या फिर कुछ ऑफिस जाना है तभी आप जाएं, नहीं तो आपको क्या ज़्यादातर अपने घर पर ही रहना है, ठीक है। थर्ड क्या है कि जो क्लोज कॉन्टैक्ट हो उसको प्रिवेंट करना है, ठीक है, दूसरों के साथ आपको हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं लगना है, ठीक है, आप सिर्फ क्या है कि नमस्ते से काम चला सकते हैं, तो क्लोज कॉन्टैक्ट को प्रिवेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि आपको मेंटेन एटलीस्ट 1 मीटर डिस्टेंस, कम से कम दूसरे से कम से कम 1 मीटर की दूरी पर आपको रहना है, ठीक है। अगर आप पब्लिक प्लेस में जाते हो किसी भी, तो आपको कम से कम 1 मीटर के, 1 मीटर कैसे, या फिर आप बोल सकते हो कि 1 हाथ की दूरी पर, इस तरह से इतने डिस्टेंस पर आपको किसी भी दूसरे व्यक्ति से रहना है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या है अपना COVID-19 से बचाव कर सकते हैं। लास्ट एक और पॉइंट है, अगर कोई भी व्यक्ति या फिर उसका जो फैमिली मेम्बर है बाहर से ट्रैवल करके आया, किसी और देश से आया हो जहाँ पे ये बीमारी फैली हुई है, तो उसे क्या करना है, 14 दिन तक आइसोलेट करना है, अलग रखना है, ठीक है, क्योंकि 14 दिन में हमें पता चल जाएगा कि वो उस किसी भी वायरस के कॉन्टैक्ट में आया है कि नहीं है, ठीक है। तो एटलीस्ट कितना, 14 दिन तक उसको आइसोलेट करना है, आइसोलेट द पर्सन फॉर एटलीस्ट 14 डेज, ठीक है, इफ ही ट्रेवल्ड फ्रॉम अदर कंट्री, ठीक है, ये अपने बचाव के लिए ही है, इस तरह से हम क्या है कि खुद को बचा रहे हैं, ठीक है, तो ये करना जरूरी है। तो 14 दिन तक क्या हम उसको आइसोलेट करना है। एयरपोर्ट्स पे भी आपने देखा होगा आजकल जो भी दूसरे कंट्री से लोग आ रहे हैं उसको हम क्वारंटाइन करें, क्वारंटाइन, क्या वर्ड यूज़ होता है, क्वारंटाइन,
ठीक है, मीन्स कुछ समय तक उस व्यक्ति को हम आइसोलेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, जब तक उसके जो किसी भी बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है, मीन्स उसके साइन सिम्टम अकर होने तक का जो पीरियड होता है उस टाइम तक हम उस व्यक्ति को अलग करके रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 14 दिन माना है कि कम से कम 14 दिन तक हम उसको आइसोलेट करके रखेंगे। ठीक है, तो एयरपोर्ट पर जो हम आइसोलेट कर रहे हैं तो उसको वहाँ पर हम वर्ड क्या यूज़ करें, क्वारंटाइन। ठीक है, तो क्वारंटाइन कब करते हैं, कितने टाइम तक करते हैं, फॉर इंक्यूबेशन पीरियड, किसी भी डिजीज़ के इंक्यूबेशन पीरियड ख़त्म होने तक। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 14 दिन लिया। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिससे आप इस कोरोना वायरस से बच सकते हैं। ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपको हैंड वॉश, ठीक है, हैंड वॉश मस्ट है, फ्रिक्वेंटली आप जितना हो सके उतना कर सकते हो। ठीक है, आजकल क्या है कि सैनिटाइजर्स लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं जिससे उसकी की जो कीमत है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो आप अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते सैनिटाइज़र नहीं यूज़ कर सकते, कोई ज़रूरी नहीं है, आप क्या करना है, आपको सिंपल जो सोप एंड वाटर का यूज़ करके अपने साथ जो अपने हाथ है वो साफ़ रख सकते हो। ठीक है, तो ये तो आगे सिंपल टर्म्स। एक आप आजकल क्या कर रहे हैं, जो मास्क का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वैसे WHO के अकॉर्डिंग जो भी हेल्दी पर्सन है, ठीक है, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको मास्क लगाने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर वो पब्लिक प्लेस पे जा रहा हो, ठीक है, पब्लिक प्लेस में भी बहुत भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जा रहा हो, तब अगर वो 1 मीटर की जो है डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर पाते हो तो वो मास्क लगा सकते हैं। ठीक है, 1 मीटर का डिस्टेंस, क्योंकि जो ये बीमारी है, ठीक है, ये कैसे मैंने बताया था, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। ठीक है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर हम 1 मीटर की डिस्टेंस को हम बना के रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस तरह इतना डिस्टेंस नहीं बना सकता, कोई भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाता है तो वो मास्क का यूज़ कर सकता है। ठीक है, नहीं तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी इस तरह के व्यक्ति की देखभाल कर रहा हो जिसको ये बीमारी है COVID-19, उसको तो ये मास्क लगाना है ही। ठीक है, और दूसरे केस में कब लगाना है उसको, अगर उस व्यक्ति को खांसी या फिर जुखाम है तब भी वो मास्क लगाएगा। ठीक है, तो इसके भी मैंने 3 चीज़ बताई। फर्स्ट क्या है, अगर पर्सन को कफिंग और स्नीजिंग है, ठीक है, खांसी जुखाम है तब उसको मास्क लगाना है, या फिर इन्फेक्टेड जो पर्सन है उसकी वो देखभाल कर रहा हो तब उसको मास्क लगाना है, या फिर कोई क्राउडेड एरिया में उस जाना है उसको। ठीक है, और वो 1 मीटर का डिस्टेंस है, 1 हाथ का जो डिस्टेंस मैंने बोला वो नहीं मेंटेन कर सकता तो उसको मास्क लगाना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नहीं तो WHO के अकॉर्डिंग मास्क किसी भी हेल्दी व्यक्ति के लिए मास्क लगाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मास्क कौन लगा सकता है, जो उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, वीक है, जो इम्यूनो सप्रेसिव पेशेंट है, ठीक है, जिनकी इम्यूनिटी कम है। इम्यूनो सप्रेसिव पेशेंट अब कौन से हो सकते हैं, जैसे जिनको पहले से कोई खांसी जुखाम हो, बुखार हो, या फिर बच्चा हो, ठीक है, 8 साल से छोटा बच्चा हो, और जो बूढ़ा इंसान हो 60 साल से ऊपर है, तो उन वो क्या होते हैं, उनको बीमारियां जल्दी लगती हैं। ठीक है, इम्यूनो सप्रेसिव जो पेशेंट होते हैं, या फिर कोई बीमारी हो, लंबी कोई बीमारी हो, ठीक है, जैसे डायबिटीज़ हो, किसी को शुगर है, या फिर कोई हार्ट की बीमारी है, तो वो सारे क्या होते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव पेशेंट होते हैं। तो इन जो क्राइटेरिया के जो लोगों को मास्क लगाना ज़रूरी है। अब क्या नेक्स्ट क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मास्क के लिए, तो मास्क हम नॉर्मली खरीद तो लेते हैं, बट अगर उसको अच्छे से नहीं यूज़ किया, या फिर उसको अच्छे से नहीं फेंका, डिस्पोज किया, ठीक है, तो भी यह बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो सबसे पहले जब आप मास्क अगर आप लगाते हो तो मास्क लगाने से पहले उसको पहले अपने हाथों को अच्छे से पानी से धोना है, ठीक है, सोप एंड वाटर से अच्छे से धोना है। ठीक है, धो के ही आप उस मास्क को टच करोगे, ठीक है, और फिर मास्क जैसे आप लगाते हो, मास्क लगाने के बाद आपके फेस और मास्क के बीच में इस तरफ में कोई गैप नहीं रहना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल टाइट आपको मास्क पहनना है तभी उसका कुछ फ़ायदा है। ठीक है, तो फेस और मास्क के बीच में गैप नहीं रहना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, आपको हैंड वॉशिंग करनी है उसको टच करने से पहले। दूसरा, अगर आप लगाते हो तो उसको गैप नहीं रहना चाहिए फेस के बीच में और मास्क के बीच में। थर्ड क्या है, मास्क लगाने के बाद उसको अननेसेसरी नहीं टच करना है। ठीक है, बार बार उसको हाथ लगा रहे हो आप तो वो नहीं करना है, क्योंकि वो जो मास्क है वो हो सकता है वो इन्फेक्टेड हो गया हो, ठीक है, या फिर जो आपके हाथ हैं वो इन्फेक्टेड हो। तो दोनों चीज़ों को आपको रोकने के लिए आपको अननेसेसरी बिना किसी कारण के आपको मास्क को हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, स्पेशली उसका जो फ्रंट का जो एरिया है, सामने का जो एरिया होता है, उसको फालतू में या फिर अननेसेसरी उसको नहीं छेड़ना है।
ठीक है, क्योंकि उससे भी उससे क्या होगा कि जो इन्फेक्शन है वो फिर भी पकड़ लेगा, आप कितना ही मास्क लगा लो उससे जो संक्रमण है वो आपको तब भी हो सकता है। ठीक है, चौथी चीज़ क्या है कि आपने मास्क लगाया उसको, अब उसको अगर वो वन टाइम यूज़ है, ठीक है, रीयूजेबल नहीं है, वन टाइम यूज़ है, तो आपको उसको निकाल के इधर उधर नहीं फेंकना है। ठीक है, और जिस टाइम आप निकालते हो उस टाइम भी आपको फ्रंट से उसको नहीं छूना है, पीछे से खोल के उसका जो उसको जो बाहर वाली साइड है उसको अंदर करके उसको फोल्ड करके आपको किसी क्लोज डस्टबिन में ही फेंकना है। ठीक है, खुले में नहीं फेंकना, कोई जो बंद जो डस्टबिन है कूड़ादान है उसमें ही आपको उस मास्क को फेंकना है। ठीक है, अगर वो सिंगल यूज़ है, अगर आप उसको फिर से यूज़ कर सकते हो तो आप क्या करना है उसको अच्छे से वॉश करके धूप में सुखाना है कम से कम 2 घंटे तक। तो इस तरह से आपको मास्क यूज़ करना है। ठीक है, तो और लास्ट में क्या है, मास्क निकालने के बाद भी आपको दोबारा से हैंड वॉशिंग करनी है। ठीक है, तो हैंड वॉशिंग जो है आपको हाथ कब कब धोना है, मास्क लगाने से पहले भी और मास्क लगाने के बाद भी। ठीक है, सॉरी, मास्क हटाने के बाद भी आपको हैंड वॉशिंग करनी है। ठीक है, तो ये आपके मास्क से रिलेटेड जो भी प्रिकॉशन है, सावधानियाँ हैं, वो आपको बरतनी है, नहीं तो मास्क लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वैसे तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको कवर करवा दिए हैं, फिर भी कुछ अगर पॉइंट्स रह जाते हैं वो मैं इसमें जो लास्ट हमारा टॉपिक है, ठीक है, सर, पॉइंट है उसको हम उसमें हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक साइड पर मैं डूज लिख देती हूँ, एक साइड पर डोंट। ठीक है, क्या करना चाहिए आपको, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश, ठीक है, जितना हो सके आपको हाथ धोने हैं साबुन और पानी से, साफ पानी से। ठीक है, ज़रूरी नहीं आप सैनिटाइज़र ही यूज़ करो, सैनिटाइजर खरीदो आप, अगर आप हैंड वॉश भी अच्छे से करते हो, ठीक है, और जल्दी जल्दी करते हो तो वो भी उतना ही फ़ायदा करेगा आपको। ठीक है, दूसरा क्या है कि आपको छींकते और खांसते टाइम जो डिस्पोजेबल टिश्यू होता है उसका यूज़ कर सकते हो, या फिर अपना एक जो हैंकी है उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और तीसरा क्या है, आप जो एक कोहनी है फोल्डेड जो एल्बो है उसका आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे जो सही बोला गया है, ठीक है, वो क्या है, अगर आप फ्लेक्स्ड जो एल्बो है कोहनी मोड़ के इस तरह से आप यूज़ करते हो वो सबसे अच्छा है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके हाथ हैं वो कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे, और ये जो ये वाला हिस्सा है बहुत कम हम टच करते हैं। ठीक है, या फिर जो दूसरा वाला व्यक्ति है वो आप क्या है वो भी उसके कांटेक्ट में भी नहीं आता है। तो बेस्ट क्या है कि आप अगर अपने एल्बो को कोहनी को इस तरह से फोल्ड करके छींके या फिर खांसे तो वो आपके लिए भी अच्छा है और सामने वाले के लिए भी अच्छा है। ठीक है, तो खांसते वक्त क्या करना है आपको, डिस्पोज्ड जो टिश्यू डिस्पोजेबल जो टिश्यूज होते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंडकरचीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फोल्डेड एल्बो कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो डिस्पोजेबल जो टिश्यू है उसको भी यूज़ करके, ठीक है, इधर उधर नहीं फेंकना है, जो क्लोज डस्टबिन है, ठीक है, बंद कूड़ादान है उसी में फेंकना है। अगर आप इधर उधर आपने फेंक दिया या किसी के कॉन्टैक्ट में आ गया सफाई वाले के, तो उसको भी वायरस हो सकता है। तो अगर आप टिश्यू का यूज़ कर रहे हैं तो उसको उसी टाइम फेंकना है, मगर कहाँ फेंकना है, बंद कूड़ेदान में। ठीक है, तो इसका सेकेंड मैंने क्या बोला है, यूज़ डिस्पोजेबल टिश्यू, डिस्पोजेबल टिश्यूज, हैंडकरचीफ और फोल्डेड एल्बो व्हाइल स्नीजिंग एंड कफिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आपको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, या कोई भी तरल जो पदार्थ है वो लेना है, पानी के साथ कोई भी लिक्विड है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। जितना पानी आप पियोगे उतने ही टॉक्सिक जो सब्सटेंस है आपके बॉडी से निकलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्लूइड्स लेने हैं। ठीक है, पानी ज़्यादा पीना है आपको। नेक्स्ट आपका रेस्ट एंड स्लीप। ठीक है, प्रॉपर आपको अपना रेस्ट लेना है। ठीक है, प्रॉपर नींद लेनी है 8 घंटे की, और बैलेंस डाइट, खाना भी आपको अच्छा खाना है, जो संतुलित आहार है वो आपको लेना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो इम्यूनिटी है, जो शरीर की बीमारियों से बचने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसके लिए, फ्लूइड्स ज़्यादा लेने हैं, पानी ज़्यादा पीना है, या फिर जो लिक्विड चीज़ें हैं वो ज़्यादा लेनी है,
पूरा अच्छे से दिन में रेस्ट लेना है, स्लीप, अपनी नींद पूरी करनी है, बैलेंस डाइट आपको लेना है, ठीक है। तो ये आपके इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, कोई भी वायरल कुछ भी आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, फ्लू लाइक सिम्टम्स जैसे आपको बुखार होता है, खांसी होती है, जुखाम होता है, तो आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। आपको किसी भी डॉक्टर को आपको दिखाना है, इमीडिएटली रिपोर्ट करना है, बट उस टाइम जब आप रिपोर्ट करने के लिए जाओगे, आपको मास्क लगा के जाना है, अपने माउथ को और इसको कवर करके जाना है, ठीक है। और दिखाने के बाद आपको अननेसेसरी जो क्राउडेड प्लेसेस पे नहीं जाना है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है, आपको जितना हो सके आपको घर पे रहना है, ठीक है। रिपोर्ट टू डॉक्टर अगर आपको कोई भी फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ें क्या हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, जो डिस्पोजेबल टिश्यूज़ हैं उसको ओपन एरिया में नहीं फेंकना, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, डू नॉट गो इन क्राउडेड एरिया, ठीक है। और एक और चीज़ क्या है आपकी, कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवाई नहीं लेनी, ठीक है। डू नॉट टेक मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। अगर आपको कोई भी बुखार होता है, सर्दी खांसी होती है, आप डॉक्टर के पास जाओ, अपनी मर्जी से घर पे बैठ के कोई दवाई नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कोविड 19 के बारे में। अगर ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखते हो तो आप इस बीमारी से बच सकते हो, ठीक है। क्योंकि इस बीमारी में क्या है कि आपको खुद से ही अपना बचाव करना है। अगर आप अपना बचाव करते हैं तो आप इस बीमारी पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी है कि आप इस बीमारी पे इतना जो है, आप आजकल आपने देखा है कि जो यंगस्टर्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं कि इस बीमारी को हल्के में ले रहे हैं, ठीक है। वो जैसे ड्रिंग टोन भी बजती है तो उसके लिए बोलते हैं कि क्यों जो फालतू में ये चीज़ लगाई गई है, ठीक है, कोरोना के आजकल जो रिंग टोन है उसके लिए। तो ये हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से कंट्रोल करेंगे तभी इस बीमारी को हम बचा सकते हैं। क्योंकि आज आपने देखा होगा न्यूज़ में अभी भी कितना ये जो कोरोना वायरस फैल रहा है, ठीक है, क्यों फैल रहा है, क्योंकि हमारे ही लापरवाही के कारण। अगर हम इससे हम बचा जा सकता है, ठीक है, हमने सिंपल जो तरीके हैं वो ही देखे हैं, अगर हम ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं, ठीक है। तो हम सारी बातों का आप ध्यान रखिए, ठीक है। अगर इस बीमारी से अगर हमें लड़ना है तो हमें अपनी प्रिकॉशन, अपनी सावधानियां बरतनी होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।